आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न की एक थैली 3150 में सिक्के हैं। 3150 सिक्के एक थैली में, देखिए ये में यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लगा लें। एक थैली में 3150 सिक्के हैं, जिसमें एक रुपए का है, दो रुपए का है तथा पांच रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, जिनके सिक्कों का अनुपात क्रमशः 3:2:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, पहली बात हमें प्रश्न में दिया क्या गया है, थैली में कुल सिक्कों की संख्या, ठीक, क्या दिया है, थैली में कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितने हैं, 3150 सिक्के हैं, ठीक। अब वो कह रहा है ये जो 3150 सिक्के हैं, इसमें कुछ एक रुपए के भी हैं, ठीक है, कुछ दो रुपए के हैं और कुछ हैं पांच रुपए के, कितने के, पांच रुपए, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि इन सिक्कों का अनुपात हमें प्रश्न में दिया गया है, सिक्कों का अनुपात, ठीक है। अब कौन कौन से सिक्कों में अनुपात होगा, देखिए एक रुपए के सिक्के में अनुपात होगा, दो रुपए के सिक्के के साथ और पांच रुपए के सिक्के के साथ। अब अनुपात भी क्या दिया गया है, 3:2:5 ये हमें दिया गया है। तो देखिए इसकी सहायता से हम ज्ञात मान सकते हैं, माना एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या, ठीक है। अब कोई भी चर आप x मान लीजिए, ठीक है, और इस चर की एक रुपए वाले सिक्कों के अनुपात से गुणा करा दीजिए, तो ये आपकी एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो गई 3x। तो इसी प्रकार दो रुपए वाले और पांच रुपए वाले सिक्कों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। पांच रुपए वाले सिक्कों की संख्या देखिए, दो रुपए वाली कितनी हो जाएगी, 2x, पांच रुपए वालों की हो जाएगी 5x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो कुल सिक्कों की संख्या यहाँ से क्या निकल आ जाएगी, कुल सिक्कों की संख्या आ जाएगी देखिए 3x+2x+5x, ठीक है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार कुल सिक्कों की संख्या है 3150, ठीक है, और यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, 10x, ठीक है, या x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3150 भाग में 10, 0 से 0 कट गया, या x बराबर आ जाएगा 315, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रकार हम एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या देखिए कितनी थी, 3x, x का मान हमारे पास आ गया 315, तो 3 × 315 या गुणा करने पर हमें मिला 945, ठीक। दो रुपए वाले सिक्कों की संख्या आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगी, देखिए 2x या 2 × 315 अर्थात 630, ठीक है। इसी प्रकार पांच रुपए वाले सिक्कों की संख्या यहाँ से आ जाएगी 5 × x या 5 × 315 बराबर 1575, ठीक है, और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।